ललितपुर से बीजेपी के जो सांसद हैं अनुराग शर्मा ने राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया है। दरअसल अनुराग शर्मा गांधी जयंती के मौके पर माल्यार्पण करने के लिए निकले थे और उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज को उल्टा पकड़कर रखा था। तो गांधी जयंती के मौके पर गांधी जी की मूर्ति का माल्यार्पण करने के लिए निकले थे और ललितपुर के सांसद हैं, उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया है। दरअसल ध्वज जो है उसे उल्टा पकड़ रखा था अनुराग शर्मा ने, और अब ये बातें जब सामने आ चुकी हैं तो देखने वाली बात होगी कि अनुराग शर्मा इस पर क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं अपमान की बात आ रही है कि राष्ट्र ध्वज को उन्होंने उल्टा पकड़ कर रखा था, वो भी ऐसे मौके पर जब वो खुद गांधी की मूर्ति पर माल्यार्पण करने के लिए जा रहे थे आज गांधी जयंती के मौके पर। ये देखिए कि ये तस्वीर उस वक्त की है जब अनुराग शर्मा ने ध्वज को उल्टा पकड़ रखा था। रिएक्शन का इंतजार कर रहे हैं, आखिरकार इस बारे में अनुराग शर्मा का क्या कुछ कहना है, उन्हें जानकारी थी भी या नहीं कि उन्होंने उल्टा ध्वज पकड़ रखा है। माल्यार्पण करने के लिए पहुंचे थे, गांधी की प्रतिमा दिख रही है और देखिए कि किस तरह से जो ध्वज उन्होंने हाथ में ले रखा है राष्ट्रीय ध्वज, वो उल्टा है। इस बात की जानकारी उन्हें नहीं होगी तभी उन्होंने इसे उल्टा पकड़ रखा है, और अब हम इंतजार कर रहे हैं कि अनुराग शर्मा इस पर अपनी प्रतिक्रिया जो है वो क्या देते हैं, क्या एक्सक्यूज देते हैं कि उन्हें जानकारी नहीं थी कि राष्ट्रीय ध्वज को उन्होंने उल्टा पकड़ रखा है। आखिरकार इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। झांसी से हमारे सहयोगी मोहम्मद इमरान इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। इमरान, जानकारी चाहेंगे, तस्वीरें तो यही बता रही हैं कि अनुराग शर्मा को इस बात की जानकारी ही नहीं थी कि उनके हाथ में जो ध्वज है वो उल्टा है। दरअसल जी, मैं आपको बता जाऊंगा मामला झांसी के झांसी लोकसभा के सांसद अनुराग शर्मा है। अनुराग शर्मा मधुर वैद्यनाथ कंपनी के मालिक भी है। जब उन्होंने आज 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर एक पद यात्रा का शुभारंभ किया तो उन्होंने अपने घर से निकाली और स्टेशन रोड पर गांधी जी की मूर्ति पर उन्हें माने पर वहां पर करना था। उसके बाद जब वो पद यात्रा वहां पर निकाली तो कई लोग उनकी पद यात्रा में उनके कार्यकर्ताओं के साथ में कई लोगों के हाथों में जो राष्ट्रीय ध्वज है, जो तिरंगा था, वो था। उसके साथ साथ जब वो वहां पर गांधी जी की मूर्ति पर पहुंचे तो उन्होंने माने पर वहां पर मूर्ति को जब किया तो उसके बाद जब उन्होंने तिरंगा हाथों में थामा तो वो भी उल्टा हुआ था। कई मतलब उनसे संपर्क करने की कोशिश की जा रही है लेकिन वो बात करने से मेरे कर्मियों से इंकार कर रहे हैं। और फिलहाल मामला यही है कि सभी जो कार्यकर्ता उनके हाथों में भी उल्टा जो राष्ट्रीय ध्वज था वो खुद सांसद जी अनुराग शर्मा जो है वो भी हाथों में उल्टा ध्वज लिए हुए थे। जी, अब इस पे कोई बातचीत हो पाई है इमरान, किसी तरह का कोई रिएक्शन आया है, उनसे बातचीत करने की कोशिश की है आपने? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा उनसे संपर्क करने की कोशिश की जा रही है लेकिन वो मीडिया कर्मियों से दिल से मुलाकात करने के लिए शायद वो राजी नहीं है। उनका जानना चाहते हैं, वो अपना स्टेटमेंट दें कि आखिर उनसे ये जो गलती हुई है ये जानबूझकर हुई है या ये भूलवश हुई है, लेकिन मीडिया कर्मियों से उन्होंने इस वक्त दूरी बनाई हुई है। जी जी इमरान, उन्होंने दूरी बना रखी है लेकिन जिस तरह से यहाँ पे माल्यार्पण करने के लिए पहुंचे थे उनके साथ उनके लोग मौजूद हैं, किसी से किसी तरह की कोई बातचीत हो पाई है कि आखिरकार इतनी बड़ी गलती कैसे हुई? जी, मैं आपको बता जाऊंगा जब वहां पर मीडिया कर्मियों ने अपने कहने उल्टे जो उनके कार्यकर्ता और जो सांसद भी आपके हाथों में उल्टा राष्ट्रीय ध्वज उल्टा पकड़े हुए थे, जब कैमरे उनके पास पहुंचे, कैमरों में उनकी तस्वीर कैद किया और उस बुनियाद पर जब उनसे बात करने की कोशिश की जो उनके जितने भी कार्यकर्ता थे जिनके हाथों में राष्ट्रीय ध्वज उल्टा हुआ था और खुद सांसद जी, उन सब लोगों ने मीडिया से दूरियां इस वक्त बनाई हुई है और कैमरे पर आने से सभी लोग ये बच रहे हैं। जी, ये जो आयोजन हुआ पूरी जानकारी चाहेंगे तफसील से इमरान की, ये माल्यार्पण करने के लिए कितने बजे निकले और ये जो ध्वज है राष्ट्रीय ध्वज है वो किसने ऑर्गेनाइज किया था, कहां से लिया गया था और जब अनुराग शर्मा इसे अपने हाथों में ले रहे थे तो उन्हें इल्म नहीं हुआ कि वो इतनी बड़ी गलती करने जा रहे हैं? तफसील से जानकारी चाहेंगे। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा आज के महात्मा गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में सांसद अनुराग शर्मा एक प्रोग्राम लगा था, उन्होंने अपने बंगले पे और स्टेशन रोड पर गांधी जी की मूर्ति तक एक पद यात्रा का आयोजन जो उन्होंने किया था। सुबह लगभग जब वहां से 10 बजे लगे वहां से वो निकले पद यात्रा के साथ, वैसे जब वो अपने निकले थे तो उनके हाथों में जो कार्यकर्ता थे रास्ते में जो चल रहे थे तो उनके हाथों में राष्ट्रीय ध्वज जो था वो वहां पर ही उल्टा था। उस वक्त भी किसी ने वहां पर नजरे उन झंडों पर नहीं डाली। उसके बाद जब वो मूर्ति पर माल्यार्पण करने के लिए आए तो वहां पर भी उनके हाथों में जो था सांसद
अनुराग शर्मा के हाथों में, वो भी उल्टा जो रात के ध्वज वहां पर लिए हुए थे। लेकिन ये एक बड़ी बात है, सांसद जी जो है कि एजुकेटेड, यहाँ पर बुंदेलखंड में एक बहुत बड़ी एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करते हैं, एक व्यापारी घराने के ये ताल्लुक रखते हैं, लेकिन इतना बड़ा जो मामला था ये उनकी नजर में नहीं आया। जी, ये कैसे सिद्धांतों को फॉलो कर रहे हैं महात्मा गांधी के, आज राष्ट्रपिता को याद कर रहे हैं, लेकिन जरा सा भी उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि उन्होंने राष्ट्र ध्वज उल्टा पकड़ रखा है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इमरान, तमाम जानकारी के लिए।